और उसी पे ट्रांसपेरेंस इस वीडियो में हम रिपोर्ट क्वेश्चंस लेंगे, दो रिपोर्ट क्वेश्चंस लेंगे। और इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि capsashmi.com जो हमारा वेबसाइट है, उसमें आपको अगर आपको पेपर 2 का टेस्ट पेपर्स लेना है तो आपको इस वेबसाइट में मिलेगा। तो आपको ये दो टेस्ट पेपर्स दिख रहे हैं, 24AC02, ये टेस्ट पेपर 4 है। एक और टेस्ट पेपर आपको यहाँ पर दिख रहा है, 24AC01। इन दोनों टेस्ट पेपर्स को आप ले सकते हैं यदि आपको इवैल्यूएशन करवाना है। यानी आप टेस्ट पेपर्स खरीदोगे, 499 रुपीज का है, इसको डाउनलोड करोगे, इसको अटेम्प्ट करोगे आंसर्स को, और फिर मेरे ईमेल आईडी में सेंड कर दोगे जो कि क्वेश्चन पेपर में मेंशन किया हुआ है। अगर आपको इन टेस्ट पेपर्स के मॉडल आंसर्स चाहिए तो एब्सोल्युटली फ्री ये मॉडल आंसर आप ले सकते हैं, 24AC02 का मॉडल आंसर, 24AC01 का मॉडल आंसर। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी कई प्रोडक्ट है जो मैं आपको बता दूं। अगर किसी को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, सॉल्व पेपर्स पेपर 2 का, तो आपको 99 रुपीज में मिल जाएगा LLS प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर 2018 से 2023 तक का आपको मिल जाएगा। अगर आपको CAPF ग्रामर का प्रैक्टिस सेट चाहिए, 54 प्रैक्टिस सेट से साथ में प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ग्रामर का भी आपको मिल जाएगा 2011 से लेकर 2023 तक का। अगर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, ये सारे PDFs मिलेंगे स्टूडेंट्स, अगर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर चाहिए तो आपको ये 250 में मिल जाएगा ग्रामर का। और अगर आपको ग्रामर की बुक चाहिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ग्रामर की बुक भी अवेलेबल है CAPF पैटर्न के अकॉर्डिंग। और अगर आपको चेकमेट राइटिंग सेक्शन की बुक चाहिए तो एकदम लेटेस्ट एडिशन है ये, और ये आपको 699 रुपीज में मिलेगी। अब हम स्टूडेंट्स आते हैं रिपोर्ट क्वेश्चन की। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है कि आज हम ना दो रिपोर्ट क्वेश्चन लेंगे, और जो हमारा टेस्ट पेपर है, फर्स्ट टेस्ट पेपर 24AC01 टेस्ट पेपर का हम दो रिपोर्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। तो पहला है जियोकैंग बॉर्डर डिफेंस विलेजेस, हो सकता है मैं इसको ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, और प्रोटेस्ट इन लद्दाख। तो अब ये दो रिपोर्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अब स्टूडेंट देखिए, रिपोर्ट क्वेश्चन हमेशा याद रखना है, एकदम करंट से पूछा जाता है। फरवरी मार्च अप्रैल में जो भी बहुत ऐसी घटना हुई है जो बहुत जबरदस्त कंसर्न में है, तो वो रिपोर्ट क्वेश्चन बन सकती है। जैसे कि आप लोगों को पता है फार्म लॉस पे पूछा गया था, फिर कोल वायलेंस इन बंगाल पूछा गया था, डेटा लीक जो फेसबुक में हुआ था वो पूछा गया था। तो रिपोर्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो वो ही पूछा जा रहा है जो कि बहुत बर्निंग रहा है, और फिर मार्च अप्रैल में जो इशू हुए हैं। अच्छा, अब ज़ियाई कॉन्ग बॉर्डर डिफेंस विलेजेस, ये रिपोर्ट क्वेश्चन है। तो रिपोर्ट क्वेश्चन का सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे टेस्ट पेपर दे रहे हैं मगर रिपोर्ट का फॉर्मेट नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो सही बात नहीं है, रिपोर्ट का फॉर्मेट फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स शुरुआत में आप यहाँ पर हेडिंग लिखोगे, ठीक है। अब हेडिंग तो कोई कोई स्टूडेंट्स करते हैं ऐसे डबल कोट्स में दे देते हैं, वो नहीं करोगे, एकदम नहीं करना है। कोई कोई क्या कहते हैं इसको अंडरलाइन कर देते हैं, वो भी नहीं करना है। कोई कोई इसको किनारे में यहाँ पर लिख देते हैं, वो भी नहीं करना है। स्टूडेंट्स अगर हेडिंग है तो ऑब्वियसली आप इसको कॉलम में क्यों लिखोगे, इसको सेंटर में लिखो, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके लिख दो, और इसको अंडरलाइन मत करो। आप न्यूज़पेपर में हेडिंग देखते हो तो क्या अंडरलाइन रहता है, हेडिंग नहीं रहता है ना, डबल कोट्स में रहता है, नहीं रहता है, तो आप भी डबल कोट्स में नहीं लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर प्लेस लिखोगे। अब मैं प्लेस का बता दूँ, प्लेस आप हमेशा दिल्ली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और या तो जो इवेंट जहाँ पे बोला जा रहा है वो जिस प्लेस में वो इवेंट हुआ है तो आप वो वाला प्लेस भी लिख सकते हो। अब इसके अलावा आप कोई और ना प्लेस का नाम नहीं लिखोगे। मैंने देखा है स्टूडेंट्स है ना स्टेट्स का नाम लिख देते हैं, अरुणाचल प्रदेश, स्टेट्स का नाम तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है, कभी भी नहीं। सिटीज का नाम लिख सकते हो मगर सिटी भी वो ही दो ही, दिल्ली या जहाँ पे घटना घटी है वो सिटी का नाम, अदरवाइज और कोई सिटी का नाम आप दे भी नहीं सकते हो। और बेस्ट है, सबसे बेस्ट तो ये है, आप कुछ भी नहीं, आप सीधे XYZ कर, एकदम सही है। कभी भी अपना आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना, आप कोई और सिटी का नाम लिखोगे तो आप एग्जामिनर को कहेगा भाई अपनी सिटी का नाम लिख, ठीक है, तो और सिटी का नाम नहीं लिखना है आपको। डेट आप कब का डेट दोगे, जो इवेंट हुआ है
उस इवेंट का अपडेट दे सकते हो। मतलब कभी कभी हमें वो इवेंट नहीं पता रहता है, ठीक है, तो आप मंथ पता है तो आप उसके आसपास का डेट दे सकते हो। मगर बेस्ट कौन सा डेट है स्टूडेंट, बेस्ट जब आपका एग्जाम है, शायद इनका 4 अगस्त को एग्जाम है, तो बेस्ट है एग्जाम डेट, एकदम बेस्ट, ठीक है। अब डेट कैसे देना है, कोई कोई डेट ऐसे देता है 4/08, बहुत गलत तरीका है, इस तरह से डेट कभी नहीं लिखना चाहिए। कोई ऐसे देता है जैसे मैंने दिया 4 अगस्त का छोटा, ये भी गलत है। पूरा का पूरा ऐसे लिखोगे अगस्त 24, आप कोई कोई सिर्फ 24 लिखता है, भाई TH भी लिखना है, ओके, ऐसे आपको डेट देना है। अब उसके बाद नेक्स्ट में हम आते हैं कि बाय, नेक्स्ट लाइन आप देख रहे हो बाय। अब बाय का आप क्या कर सकते हो कि सिंपल सी चीज है, आप बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट लिख सकते हो। करस्पॉन्डेंट लिखोगे, स्पेलिंग नहीं गलत करोगे, सी को कैपिटल करोगे, एस को कैपिटल करोगे। एक और आप कर सकते हो, लोकल करस्पॉन्डेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। और बेस्ट तो ये है, ऊपर XYZ लिख रहे हो, अब बाय ABCD लिख सकते हो, ठीक है, बाय ABCD। अब मगर बाय में बी कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल बी नहीं होना चाहिए, तो छोटी छोटी बातें हैं स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब हम कंटेंट पे आते हैं, मेन बॉडी पे आते हैं। मेन बॉडी के पहले हम यहाँ पर आते हैं, कोई कोई स्टूडेंट्स लोग यहाँ पर सोर्सेज लिखते हैं, सोर्सेज, ठीक है, कोई इधर लिखता है, कोई बीच में लिखता है, कोई कहीं लिखता है। स्टूडेंट सोर्सेज लिखने से आपको अगर लगता है कि आपके मार्क्स बढ़े हैं तो कुछ ऐसा नहीं है, अगर आपको लगता है मार्क्स घटेंगे तो ऐसा भी नहीं। सोर्सेज एक्चुअली आपके ना मार्क्स को बढ़ाता है ना घटाता है, मतलब वो कोई भी इम्पैक्ट नहीं रखता है, जीरो इम्पैक्ट है सोर्सेज लिखने का, एग्जामिनर के दिमाग में या आपके कंटेंट में, और भी आपके कंटेंट में और कोई इजाफा कर रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, उसकी ब्यूटी बढ़ा रहा है सोर्सेज, तो ऐसा कुछ नहीं, सोर्सेज कुछ नहीं कर रहा है। तो सोर्सेज लिखना मुझे ऐसा लगता है वेस्टेज ऑफ टाइम है, एनर्जी है, तो आप नहीं लिखोगे सोर्सेज तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं तो, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो सोर्सेज नहीं लिखते हैं और उनका क्लियर भी होता है एग्जाम, ओके। अच्छा, अब हम मेन बॉडी में आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो रिपोर्ट में आपको 3 पैराग्राफ रखना है हर, आप अगर मेरे राइटिंग सेक्शन बुक किसी ने लिया है तो आप देखोगे करीब 70 रिपोर्ट विद आंसर्स है, और किसी में भी 4 पैराग्राफ, सब में 3 पैराग्राफ है, इतना इसका स्ट्रक्चर फिक्स रहता है रिपोर्ट का। इसके अलावा मतलब हर पैराग्राफ में क्या लिखना है वो भी फिक्स रहता है, तो इसीलिए रिपोर्ट बहुत आसान है लिखना। इसमें जिस तरह से आपको एसे में स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है वैसे रिपोर्ट में स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, रिपोर्ट का स्ट्रक्चर एकदम फिक्स रहता है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अगर इफ यू हैव गॉट द नॉलेज, आपको वो कंटेंट को उस स्ट्रक्चर में फिक्स करना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में आप व्हाट, हु, वेयर और व्हेन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। रिपोर्ट एकदम फैक्ट ओरिएंटेड होता है, इसमें आप अपना ओपिनियन, अपना सजेशन कुछ नहीं दे सकते हो, सिर्फ फैक्ट्स आपको प्रेजेंट करना है और वो भी ऑर्गेनाइज फॉर्म में। तो फर्स्ट पैराग्राफ में व्हाट, हु, वेयर और व्हेन का आप आंसर दोगे, और या तो फिर आप ये कर सकते हो कि कोई भी उस टॉपिक से कनेक्टेड कोई भी रीसेंट जो इवेंट हुआ है आप उसके बारे में बता सकते हो। अब जैसे इसमें है जायकोंग बॉर्डर विलेजेस है, डिफेंस विलेजेस है, तो इसमें मैंने क्या किया है, मेरे पास सिर्फ दो ही चीज है फर्स्ट पैराग्राफ में लिखने के लिए, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन और व्हाट, यानी ये जायकोंग विलेज है क्या ये मैं बताऊंगी, ठीक है, कौन बना रहा है ये बता सकती हूँ, और कहाँ बना रहा है ये बता सकते हैं, कब से बनाना शुरू किया ये बता सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, चाइना हैज बीन कंस्ट्रक्टिंग, इतना जायकोंग विलेज है और इसका मतलब होता है वेल ऑफ विलेजेस, इसका मतलब मैंने बता दिया, कहाँ बना रहा है, इंडिया बॉर्डर्स में बना रहा है, ठीक है, और तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन पर्टिकुलर अलोंग एमएसी फॉर ओवर 5 ईयर्स नाउ, तो मैंने सबका आंसर कर दिया, कौन बना रहा है, क्या है, कहाँ बना रहा है, कब से बना रहा है। अब By establishing these villages, the Chinese government aims to improve living conditions for residents, enhance surveillance and security measures along the borders, and promote economic activities that contribute to the overall stability and prosperity of these areas.
और क्यों बना रहा है वो भी मैंने यहाँ पर आंसर कर दिया, ठीक है। हालांकि क्यों बना रहा है आप वाई में भी या सेकंड पैराग्राफ में भी आंसर कर सकते हैं। अब सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या करना है, वाई जो मैंने कि फर्स्ट पैराग्राफ में कर दिया है, मगर यहाँ पर आप सेकंड पैराग्राफ में भी वाई का आंसर कर सकते हो अगर और भी है आपके पास। इफेक्ट, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट, ये सब का आपको इसमें आपको देना है, ठीक है। और या कोई किसी का इंडिया क्या कर रहा है इसका रिएक्शन आपको देना है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। However, these villages have raised concern for Indian army because well-designed border villages serve as border watch posts and help China in occupying no man's land. It, मतलब कि ये क्या काम कर रहा है, ये वॉच पोस्ट का काम कर रहा है चाइना के लिए। It also highlights the need for constant and heightened vigilance. देखिए, why जो मैंने दिया है वो चाइना के अकॉर्डिंग है। चाइना क्यों बॉर्डर विलेजेस बना रहा है अलॉन्ग एलएसी, क्यों बना रहा है, वो चाइना का रीजन दिया है। मगर इंडिया क्या सोच रहा है, इंडिया के अकॉर्डिंग ये क्यों विलेज ऐसे बना रहा है, तो इंडिया के अकॉर्डिंग इसको वॉच पोस्ट बनाना है, ठीक है, ताकि हाइटेंड विजिलेंस हो सके, विजिलेंस हो सके इन रिस्पॉन्स टू चाइनाज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया वाइब्रेंट विलेजेस बना रहा है जिसमें 6663 मॉडर्न विलेजेस को, बॉर्डर विलेजेस को मॉडर्नाइज कर रहा है, ठीक है, और 17 सिलेक्टेड फॉर डेवलपमेंट अलोंग द चाइना इंडियन बॉर्डर इन रीजन लाइक लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इंडिया हैज आल्सो लॉन्च बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इन्वॉल्व इन मेजर हाईवे इंक्लूड ट्रांस अरुणाचल हाईवे, फ्रंट हाईवे, ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्री कॉरिडोर हाईवे टू इंक्लूड कनेक्टिविटी पर्टिकुलरली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल एंड ताइवान, सॉरी तावांग रीजन। तो आप समझिए इंडिया किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये भी मैंने बता दिया। चाइना का जो हिडन ऑब्जेक्टिव है वाई, वो मैंने यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ बता दिया। आप जो थर्ड पैराग्राफ होगा स्टूडेंट्स, उसमें आपको ओपिनियन देना, सजेशन देना, मगर ध्यान रखना आप रिपोर्टर हो, रिपोर्टर का काम रिपोर्ट करना है। आप रिपोर्टर का काम ये नहीं है कि ना खुद का सजेशन देना है या ओपिनियन देना है, आप एक्सपर्ट का सजेशन या ओपिनियन दे सकते हो, ठीक है, या जो इन्वॉल्व है उनका क्या सजेशन। जैसे इसमें चाइना और इंडिया इन्वॉल्व है, चाइना का सरकार इंडिया का सरकार का क्या रिस्पॉन्स हो रहा है, आप ये बता सकते हो। बीजिंग हैज एक्यूज इंडिया ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग द बाउंड्री क्वेश्चन, डिस्टर्बिंग द सिचुएशन इन द बॉर्डर एरिया बिटवीन द टू कंट्री विद सच डेवलपमेंट, बट इंडियन मिलिट्री फर्मली बिलीव, देखिए आप अपना ओपिनियन दे रहे नहीं दे रहे हो, दैट इंडिया इज अटेम्पटिंग टू एड्रेस अ लॉन्ग स्टैंडिंग इंबैलेंस कॉज्ड बाय चाइनाज एक्सटेंसिव रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अलॉन्ग द बॉर्डर एंड इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर चाइनाज ऑफेंसिव ऑपरेशन। ओके, तो 239 वर्ड्स में ये रिपोर्ट मैंने खत्म कर दिया। अब सेकेंड रिपोर्ट देखते हैं, प्रोटेस्ट इन लद्दाख, ये भी एकदम करेंट है स्टूडेंट्स, तो आपको इसी तरह से फॉर्मेट फॉलो करना है। और ऐसे ही तीन पैराग्राफ में स्टूडेंट सोर्सेस देखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पैराग्राफ में हु व्हाट व्हेन वेयर आप दे सकते हो, सेकंड पैराग्राफ में आप इफेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस दे सकते हो, थर्ड पैराग्राफ में आप ओपिनियन सजेशन किसी एक्सपर्ट्स का दे सकते हो। अगर एक्सपर्ट्स का नाम नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली एक्सपर्ट्स लिख सकते हो, क्रिटिक्स लिख सकते हो, जैसे मेरे पॉलिटिकल एनालिस्ट लिख सकते हो, एनवायरमेंटलिस्ट लिख सकते हो, ठीक है, इकोनॉमिस्ट लिख सकते हो। Recently, Ladakh has seen several protests and shutdown demanding Ladakh statehood to be reinstated after it was made a union territory in 2019. Okay? They want their local legislature reservation in parliament seats for both Leh and Kargil districts. तो क्या क्या डिमांड है, पहला डिमांड है इसको फिर से स्टेटहुड मिल जाए, दूसरा डिमांड है कि रिजर्वेशन मिल जाए पार्लियामेंट्री सीट्स में, अपना खुद का लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए। They also want Ladakh to be recognized as tribal area under 6th schedule because its tribal government account for इतना of its total population. तो जितने भी डिमांड है ना वो सारे डिमांड मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में दे दिया। Although demand is of job reservation for locals, setting up of an exclusive public service commission. Another demand. All these demands arise from concerns about protection of land, natural resources, and employment for local residents, bureaucratic overreach. To make their demands heard, रेसिडेंट्स ऑफ लद्दाख लेड बाय एनवायरमेंटलिस्ट एंड एजुकेशनल सोनम, तो मैंने यहाँ पर सोनम वांगचुक का नाम दिया, रिजॉर्टेड टू अ हंगर स्ट्राइक दैट लास्टेड फॉर 21 डेज। इवेंचुअली द लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंटली इंक्रीज द रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल ट्राइब इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम 10 to 45%। तो फिर इसका रिस्पॉन्स क्या हो, मैंने आपको पता है रिजल्ट लिखना होता है सेकेंड पैराग्राफ में, तो यहाँ पर रिजल्ट लिखना है। However, the government remains reluctant to include Ladakh in 6th schedule of the constitution because such a move would require constitutional amendment as 6th schedule is reserved for northeast region while tribal areas are covered under the 5th schedule. ठीक है, तो
तो क्या रिस्पॉन्स हुआ गवर्नमेंट का वो इसमें बता दिया। और थर्ड पैराग्राफ में क्रिटिक्स का ओपिनियन, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट इंक्लूजन इन द सिक्स शेड्यूल कुड हिंडर लद्दाख इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इंपोजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन लैंड यूज, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, व्हाइल द पॉलिटिकल एनालिस्ट एडवाइस टू पुट इन एफर्ट फॉर इंक्लूसिव लोकल गवर्नमेंट्स, ग्रेट इकोनॉमी, टारगेटेड पॉलिसी इंटरवेंशन टू प्रमोट सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल प्रिजर्वेशन इन लद्दाख। ओके तो स्टूडेंट्स ये है रिपोर्ट, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग cafprashni.com में जाइए और उसमें 24AC01 का फॉर्म आंसर ले सकते हैं। अगर आपको इसके आंसर अटेम्प्ट करने हैं तो इवैल्यूएशन मार्क एग्जाम देखिए। थैंक यू वेरी मच।